नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 इंटू डी एक्स। चलिए देखिए पहले इसका फॉर्मूला क्या था। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का टाइप टू है ना। इसके लिए रूल फॉर्मूला ये था, e टू द पावर एक्स पूरा हवे करेगा सम में। इसके अलावा यहाँ पे एक फंक्शन देगा एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन f'x जरूर रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो इसका आंसर e टू द पावर एक्स और f(x) प्लस c लिखना, मतलब e टू द पावर एक्स इससे है। अगर नहीं रहेगा तो ऐसा लाना जरूरी है। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर में दो टर्म ऐसा होगा जिसमें कि एक होगा फंक्शन तो दूसरा होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस प्रकार से e टू द पावर एक्स लिख देना और इस दोनों में जो फंक्शन है उसको लिखना, चाहे इस से लिखा हो चाहे इस से लिखा हो, फंक्शन को लिख करके प्लस सी। ठीक है, सामने 5 से 6 वाले में इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं, जिसको छूटा हुआ होगा आकर के पढ़ सकते हो। चलिए देखिए e टू द पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर में हम इसको देखिए एक्स अगर कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इसके बाद हम आपको क्या बोले हैं, जब यहाँ पे सिंगल टर्म रहे तो इसको आप इस तरह चेंज करो ताकि दो को टर्म में आ जाए, एक को फंक्शन और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग बटे करिए। ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स, यहाँ पे एक्स इंटू इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 और यहाँ पे प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 और ये dx। ठीक है ऐसा। उसके बाद देखा जाए यहाँ हो जाएगा e टू द पावर एक्स एक्स, ये इसके साथ कट करके एक्स, याद रखिए इसके पावर में 1 है इसके पावर में 1.5 है, मतलब नीचे आकर के तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना 1/2 हो जाएगा। बात समझा, ये ऊपर में इसके पावर में नहीं तो 1 और इसके पावर में 1.5। अब 1.5 में से कटेगा कितना होगा, आधा होगा, ये नीचे आ जाएगा तो, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, इसके कैसे आप साइड में करके देखिए डिफरेंशिएशन हम आपको करके दिखाते हैं। इसको अगर हम एफ एक्स माने, ये क्या है एफ डैश एक्स, करके देखिए दिखाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लिख दें, रूट लिख देते हैं 1/2 पार, मतलब अब इसको अगर हम यू माने इसको भी माने तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ेंगे या सेकेंड को डिफरेंशिएट, यू अभी का भी से शुरू करते हैं, भी से शुरू करेंगे, डी इंटू डी बटे डी एक्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे डी एक्स, डी इंटू डी बटे डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बटे डी एक्स और पूरे के बटे डी एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर देखा जाए यहाँ पे रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये तो वाले ना, और इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, उसके बाद फिर रूट को छोड़ कर करेंगे तो 2x, पूरे के बटे रूट से स्क्वायर हट करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ बटा 1 करके एलसीएम लेंगे ये इससे गुना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे गुना होकर के माइनस एक्स स्क्वायर बटे
रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर उसके बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे एक बटे यहाँ नीचे आ जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर वन और यहाँ पर ये आधा कितना हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में टेन यानी थ्री बाय टू। देखो तो मिल रहा है ये एफ डैश एक्स के बराबर हो गया ना एफ डैश एक्स। तो आप देख लीजिए इसको अगर हम एफ एक्स मान लिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर सॉल्व करते करते इतना आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। तो रूल के अनुसार प्रॉपर्टी के अनुसार थ्योरी के अनुसार e टू द पावर एक्स लिखिए और फंक्शन को लिखिए फंक्शन ये है यहाँ लिखेंगे एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में आप लिखिए चाहे रूट दे दीजिए यही क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ दिखा सकते हैं अगर दिखा दिए तो अच्छा रहेगा कि नहीं इसका डिश ये है क्योंकि कैसे पता इसका डिश ये है करके दिखा देंगे तब ना अच्छा रहेगा। चलिए लिखिए इसको आगो तीन को बचन से नहीं बेचते मतलब सौ को बेचते तो इतना तो प्यार से बेच सकते उधर बागेश्वर मामा से इतना प्यार हो गया लोग को 10 लाख प्लस लोग पहुंच गया हमारे मतलब घर से लोग सब गए हुए थे अभी दमो लेने में दिक्कत हो रहा है रिकॉर्ड टूट गया पूरे दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया इतना भी कोनो सवाल नहीं लगा था। हो गया मतलब इसको आप अलग से एफएक्स लिख लीजिए और इसको यू बटे वी पर डिफरेंशिएशन करिए इतना के बराबर आ जाता है। इसका मतलब
ये e to the power x fx plus f dash x के रूप का है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ex into fx plus c, ये हो गया इसका आंसर। डिफरेंशिएशन भी लिखना है, लिखना है तो लिखो। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहेगा क्वेश्चन, समझे? इस टाइप का क्वेश्चन इस सूत्र पर जो भी क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में रहेगा। हर बार पूछता है, हर बार, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव दुगुना था तो दो या तीनों खुल दिया है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव तो हर बार रहेगा ही रहेगा। 24 में चलिए देखिए, इसके बाद बोलो तो एक तो फॉर्मूले पर आधारित है, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा है देख लो ना, पदों बताए थे। चलिए लिखिए इसका डिफरेंशिएशन, का एक हम कल भी बताए थे, फिर भी आप लोग लगता है सबसे कम बने लोगों को भी नहीं देखता है। 1 by x square minus 2 by x cube into dx, देखिए इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, ये fx है, इसका डिफरेंशिएशन आप साइड में करके देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x square ये हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा तो माइनस टू, नीचे वाले में एक बारह के फिर पावर, इस प्रकार से कितना हो जाएगा 3, यानी इसका डीसी ये मौजूद है, इसलिए आप लिखिए e to the power x into 1 by x square plus c, यही आंसर हो गया। 10 का 3 नंबर देखा जाए, 10 का 3 नंबर e के पावर 2x माइनस 1, यहाँ पे केवल 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 बटे 4x स्क्वायर इंटू e के पावर 2x, ध्यान दीजिएगा e के पावर x ना होता है सूत्र में, लेकिन यहाँ पे देखो e के पावर 2x है, इसका मतलब 2x को पुट कर लीजिए, e के पावर x के सिवाय कुछ अन्य चीज दिखे क्या करना, पुट करने का, पुट 2x बराबर z, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे dz बटे dx, यहाँ से dx का मान निकल गया कितना, dz बटे 2, एनी प्रॉब्लम? और इंटीग्रेशन i से चले, 2x को क्या माने z, अच्छा ऐसा लिखते हैं 2x माइनस 1 बटे इसको 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे e के पावर 2x into dx, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2x को क्या पुट करेंगे, z, तो यहाँ इस ex को पहले लिख देते हैं e के पावर z, इसको अंदर में z माइनस 1 बाय z स्क्वायर इंटू dx का मान dz बटे 2, उसके बाद इस 1 बाय 2 को कर दीजिए बाहर, यहाँ पे e के पावर z अलग अलग बटे करेंगे 1 बाय z माइनस 1 बाय z स्क्वायर इंटू dz, देखो तो इसका डीसी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बाय 2 e के पावर z इंटू 1 बाय z प्लस c, और ये हो जाएगा e के पावर z का मान 2x बटे 2 इंटू 2x प्लस c, और ये हो जाएगा e के पावर 2x बटे
फोर एक्स प्लस थ्री, यही क्या हो जाएगा? अब आप देख लीजिए, देखिए इसमें कहीं दिक्कत है, नोट किया जाए। क्या बोले, इसको पुट करोगे? बिना पुट किए आपको दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा तो कर सकते हैं, लेकिन संपर्क नहीं होगा, इसलिए पुट कर देंगे। e के पावर x के सिवाय कुछ अन्य रहा तो पुट कर लीजिए। जैन पावर एक्स के सिवाय कुछ अन्य रहे तो उसे पुट कर देना। अलग अलग बच्चे नहीं किए, पावर एक्स टू माइनस साइन टू एक्स बच्चे वन माइनस कॉस टू एक्स ऐसा लिखा हुआ है। बताइए ई के पावर एक्स को तो अकेले छोड़ दीजिए साइड में, और यहाँ जो कुछ भी है उसको ऐसे दो टर्म में लिखिए जिससे कि एक फंक्शन हो जाए और दूसरा उसका इसी हो जाए। ई टू द पावर एक्स यहाँ पे हम इसको अलग अलग बटे कर देते हैं, दो बटे वन माइनस कॉस टू एक्स और यहाँ पर माइनस साइन टू एक्स बटे वन माइनस कॉस टू एक्स। मतलब फॉर्मूला नहीं होता इसका, ये सब फॉर्मूला तो है जो काफी यूज होता है ये सब। ये हो जाएगा ई के पावर एक्स यहाँ पे टू, इसका सूत्र टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे टू साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स। यहाँ देखिए टू से टू कट, साइन से स्क्वायर कट, यहाँ टू से टू कट। अब देखिए
जो टर्म आया उसका डीसी बिल्कुल सेफ्टी मिलेगा। तो वन बाय साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, देखो कल भी ऐसा ही क्वेश्चन हुआ था, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक स्क्वायर, लेकिन लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि ई के पावर एक्स, ये माइनस सहित का डीसी यहाँ पर ठीक है, ये माइनस यहाँ पे कॉट एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आंसर। कौन समस्या 13 नंबर में आपको ई टू द पावर एक्स को पुट कर देना है जेड, ये आप खुद से कर ले आराम से बन जाएगा। 13 नंबर के लिए ई के पावर 2x है ना, तो आपको केवल 2x लेना है, 2x को पुट कर देना जेड। बताते हैं 14 का आज कंप्लीट होवे करेगा, काय तुलसी कल से 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग मतलब कुछ बच्चा आते हैं बाकी सब बोले बोले पास सवेरे 5 बजे से पहले लगो ठीक है, एकदम 5 बजे तक फ्रेश फ्रेश होकर के थोड़ा सा नाश्ता करके आ जाओ, क्योंकि तुम लोगों का क्लास 9 से 11 बजे तक रहता है। नाश्ता कच्चा बादाम कच्चा बादाम लगता है, अजीब चीज नहीं लगता है लोग को चना, वास्तव में चना घोड़ा का भोजन है, घोड़ा देखते होंगे कभी सुस्ता ही नहीं रहता है, इसीलिए कहते हैं आप लोग भी नहीं सुस्ताइएगा, घोड़ा का भोजन चना खाइए, चना के दाल खाता है 50 ग्राम दाल क्या इतना ले जाएगा। ऐसी बच्चे 13 नंबर में बना, मतलब एक तरफ से छाप दी। माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x, इधर ध्यान दीजिए हम आपको क्या बोले, 2x को पुट कर दीजिए चार, चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2x का 1 और ये डीजर बटे डी एक्स, यहाँ से डी एक्स का मान कितना डीजर बटे 2, अब इंटीग्रेशन रखेंगे, इंटीग्रेशन आई बराबर यहाँ पे ई के पावर जेड, यहाँ माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो गया यहाँ से जेड बाय 2, यहाँ रखिए जेड बाय 2 और प्लस में 2 कॉस एक्स के जगह पे जेड बाय 2 डी एक्स का मान इधर बटे 2, समझो यहाँ पे देखा जाए इसका डीसी, अच्छा इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं,
ई के पावर जेड इसको हम ठीक से लिखते हैं टू कॉस जेड बाय टू माइनस साइन जेड बाय टू और ये डी जेड देखो इसका डीसी उपस्थित है तो इसे सोल्व टू कॉस से बारे हो जाएगा कॉस का माइनस साइन फिर से इस एंगल का करेंगे तो वन बाय टू टू से टू कटने जाएगा तो इसका डीसी ये मौजूद है इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे वन बाय टू ये हो जाएगा वन बाय टू तो ये और यहाँ पे e के पावर z इंटू एफ एक्स कितना ये टू कॉस z बाय टू प्लस e टू से टू कैंसिल e के पावर z का मान टू एक्स इंटू कॉस z बाय टू का मान z बाय टू का मान x ये हो जाएगा x प्लस t हो गया आंसर जल्दी से फुट कर लॉग एक्स को फुट करिए a log x plus a square log x bracket बंद ये करा है अब ये सर्विस में e x है ये नहीं है लाना पड़ेगा ऐसे भी ये चेन रूल करेगा ना बनेगा अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो चेन रूल ये बनता n के लिए थीटा के जगह पे क्या है log x इसलिए आप यहाँ पे log x को पुट कर दीजिए z यहाँ पे log x को क्या पुट कर देंगे इधर देखो log का एक प्रॉपर्टी बताए थे x में नहीं दोस्तों इधर से log छूटेगा क्या हो जाएगा x बराबर e के पावर z ध्यान दे रहे सभी एक तरफ से log छूटेगा x बराबर e के पावर z इसमें कोई डाउट और इसका डिफरेंशिएशन भी करिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x log x का डिफरेंशिएशन और यहाँ पे dz बन रहे dx यहाँ से dx का मान कितना हो जाएगा x into z अब इसमें रखा जाए इंटीग्रेशन i इक्वल टू हो जाएगा बबुआ यहाँ पे tan z प्लस sec स्क्वायर z और dx के बदले क्या रखोगे x into dz अब देखिए इस x को पहले लिख देंगे और x का मान है क्या e के पावर z अगर इस x को पहले लिखे और वो भी उसका मान e के पावर z यहाँ पे tan z प्लस sec स्क्वायर z इंटू डी z तो फॉर्मूला पे सेटिंग हुआ इसका dc ये हो जाएगा e के पावर z इंटू tan z और ये हो जाएगा e के पावर z के बदले आप क्या रख सकते हो x रख दीजिए
और यहाँ पे टेन सेल के बदले क्या रख सकते हैं, लॉग एक्स। यही क्या हो गया इसका आंसर। क्या ये कठिन था? केवल यही करने तुम लोग को दिक्कत आ रहा होगा। अब याद आया इस तरह का प्रॉपर्टी बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। लॉग ऑफ एन टू द बेस बी इक्वल टू एक्स, इस प्रकार से लॉग छूटता है और ये बेस हमेशा बेस में। अब याद आया, मतलब पीछे आ गए, याद आ रहा है, बहुत ही काम, बहुत याद आ रहा। तो लोग अपसेट हो जाता, हमको मन नहीं लग रहा था सच में। लिए आप 15 का शांत रहिए। e टू द पावर एक्स 1 - x का होल स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। इसको दो दो तरीके से बना सकते हैं, इसको दो दो विधि से लिखा था। पहला विधि ई टू द पावर एक्स के साथ तो कुछ करो ही नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूले में रहता है ना, इसको कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे क्या करना है दिखा जाए। अच्छा 1 - x का होल स्क्वायर करिए, चाहे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। होल स्क्वायर के रूप में आप इसको उल्टा पुल्टा करें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको अगर हम ऐसा करें कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद देखो भी यहाँ पे e टू द पावर एक्स, यहाँ पे हम इसमें एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं। 1 + x एक जोड़िए एक घटा दे कितना हो जाएगा -2 बटे, अच्छा इसका होल स्क्वायर बटे 1 + x का होल स्क्वायर इंटू dx। समझते चलिए, हमने यहाँ पर एक जोड़ा और एक घटाया, एक जोड़ दिए ऐसा हो गया और ये एक घटा दिए तो -1 - -1 - 2। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसा फॉर्म नीचे है वैसा फॉर्म ऊपर करने के लिए इस फॉर्म एक कर देंगे,
वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स मिल रहा है, और इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो किस पर चलेगा ये? ए माइनस बी के होल स्क्वायर पावर ई टू द पावर एक्स, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं के स्क्वायर, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर कर लेते पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, समझ रहे हो? बटे में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे देखा जाए, सबको अलग अलग बटे करेंगे, यहाँ पर इसके बटे इतना, इसके बटे इतना, इसके बटे इतना, तो चलिए करते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया, फिर यहाँ पर चार बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस चार इंटू वन प्लस एक्स बटे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखो कहाँ कहाँ कौन कौन कट जाएगा, जो कटने वाला है काटिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है? अब इसको सेटिंग करो ठीक से, इस टर्म को कहाँ लिखे जो बात बने, यहाँ पे वन, इस वन को लिख दीजिए, शांत रहिए, वन माइनस फोर बाय वन प्लस एक्स, ठीक है, वन प्लस एक्स और प्लस फोर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, हम कहते हैं कि इसको एक ब्रैकेट में और ऐसा कर दो तो आपको पता चलेगा इसका बीसी ये है, देखिए कैसे, वन का जीरो माइनस चार कॉन्स्टेंट बाहर, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ई माइनस प्लस चार बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डिफरेंस ई मौजूद है, इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे ई के पावर एक्स इंटू वन माइनस फोर बाय वन प्लस एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आंसर, अगर आप इतना करते हैं तब भी सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और कैलकुलेशन हो सकता है, तो कर दीजिए, ये इससे गुना होगा वन प्लस एक्स माइनस फोर बटे एक्स प्लस वन प्लस सी, और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, यहाँ एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वन प्लस सी, यहाँ पर आंसर होगा, है ना, नोट किया जाए, और स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है, क्या करेगा आप सेट वाला सबके लिए तो ऑनलाइन देना पड़ेगा कितना सुन रहा है बताओ नहीं पड़ेगा
ई के पावर में जहां भी एक्स के अलावा कुछ अन्य मिले उसे पुट कर दीजिए जैसा कि 15 का दो नंबर पे 2x को क्या पुट कर दीजिएगा सर तीन नंबर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का 3 ये है ई टू द पावर एक्स